हेलो फ्रेंड्स, फिर से नया वीडियो में स्वागत बहुत। आज हम वीडियो में चर्चा कर रहे हैं बानी श्रीलंका वर्सेज साउथ अफ्रीका के थर्ड ओडीआई के बारे में, जो कि थर्ड ओडीआई जो होने वाला है 7 सितंबर के 2:30 के दोपहर में मैच जो स्टार्ट होकर लगा हुए। और वो बता दें कि जो स्टेडियम में मैच होकर लगा हुआ, वो स्टेडियम का नाम आर प्रेमदास स्टेडियम, जो कि कोलंबो में स्टेडियम जो वो श्रीलंका में। चले कि आज हम वीडियो में आपको काफ़ी सारा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि कर सकते हैं लोग कैप्टन चूज कर सकते हैं, काफ़ी सारा आपको हेल्पफुल मिल सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो शुरुआत करने से पहले हमारा नाम गुलशन लोग देखते हैं बर्मा स्पोर्ट, और चैनल में पहली बार आए चाहिए सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो रिलेटिव कुछ भी आपको डाउट आता है नीचे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्त के पास शेयर करें। टीम बनाने से पहले हमेशा आप लोग 5 बदलो वो लोग ध्यान रखें। सबसे पहले प्लेयर स्टेटस होगुल, सेकंड होगुल रहोगे पिची प्रोटोकॉल, एंड जो थर्ड नंबर पर आ जो टॉप पिक प्लेयर, एंड जो 4 नंबर पे जो आप उनकी दोनों टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट का बा और वीकनेस का बा, एंड जो 5 नंबर के जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हुए कि दोनों टीम जो अनुभव हुए श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जो पिछला मैच के पिछला 5 मैच के परफॉर्मेंस का हुए, कितना हारल हुए और कितना जीतल हुए, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अनुभव हुए कि कैप्टन चूज करते हैं और क्या वाइस कैप्टन चूज करते हैं। ये वीडियो देखकर वो आसानी से जाएंगे। चलो कि वीडियो शुरुआत करके अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम प्लेयर स्टेटस की बात करें तो आपको सबसे पहले एम अक्रम हो गए, एंड सेकंड नंबर पर सी एस लैंकन हो गए, एंड थर्ड नंबर पर होंगे जे मलन। यह जो तीनों जो प्लेयर हैं जो कि प्लेयर स्टेटस जो कोई प्लेयर है, एंड हम सेकंड जो बात करने जा रहे हैं पिच रिपोर्ट की बात। आप बोलें कि आज काफ़ी सारा मंथ मिल सकता है बॉलरों को, खासकर स्पिन बॉलर को अधिक से अधिक जो मंथ मिलेगा, क्योंकि जो स्पिन बॉलर आज गेंदा क्रम जब आएंगे तो उनका जो गेंदा है अधिक से अधिक टर्न करेगा एंड स्पिन करेगा। 55% जो स्पिन है जो बॉलर को मंथ मिल सकता है, वहीं जो पेस बॉलर को यानी फास्ट बॉलर को 45% ही जो मंथ जो मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बैटिंग के लिए कैसा आज पिच रहेगा, तो बैटिंग के लिए आज पिच थोड़ा सा खड़ा लंबा स्कोर खड़ा करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है बैट्समैन को। अगर हम टॉप पिक प्लेयर की बात करें तो सबसे पहले एम अक्रम हो गए, एंड सेकंड में है हेनरी क्लासिन हो गए, एंड जो थर्ड नंबर पर हैं जो कि ताबिर शामिस, ये जो तीनों प्लेयर हैं टॉप पिक प्लेयर हैं। अगर हम दोनों टीम के स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस की बात करें तो आपको बता दें कि जो श्रीलंका हुआ है साउथ अफ्रीका, दोनों का जो कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग जो लाइन है इनका जो स्ट्रॉन्गनेस है, दोनों अधिक रन खड़े करने में जो सक्षम है, लंबा लंबा प्रयोग खेलने में खिलाड़ी एक से एक जो खिलाड़ी जो लंबे पारी तक जो टिक कर अधिक अधिक स्कोर जो बना सकते हैं। दोनों टीम के और पिछले 5 मैचों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको बता दें कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने 5 में से 2 मैच जीता है, वहीं जो साउथ अफ्रीका ने 5 में से 2 मैच जीता है, एंड जो लास्ट में जो श्रीलंका का साथ था इस सीरीज में वो जो डीएल में से जो साउथ अफ्रीका ने जो जीत लिया है। वहीं अगर हम दोनों टीम की और विनिंग प्रेडिक्शन की बात करें तो श्रीलंका हो गया एंड जो साउथ अफ्रीका की, तो श्रीलंका का लगभग 46% है, वहीं जो साउथ अफ्रीका है उसका 54% है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों टीम का जो विनिंग प्रेडिक्शन कौन है, जो मैच कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कौन मैच हारा और कौन टीम जीता। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आपको हम बताएंगे किसे कैप्टन चूज कर सकते हैं, किसे वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विन जो कर सके। चलिए वीडियो को अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप विकेट के ऊपर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर विकेट के ऊपर हम एच क्लासन के यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हम आप लोग बैट्समैन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम रन डूअर्स को टीम में ऐड कर लेंगे। इसके बाद एम अक्रम को अपनी टीम में ऐड कर लेंगे, ये फ्रेंडो हो गए इनको भी हम ऐड कर लेंगे, एंड इसको लर्न करते जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग सी क्लासन को टीम में अपने ऐड कर लेंगे, सी एस क्लान को। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जे मलन को टीम में ऐड कर लेंगे, और फिर से हम ऑलराउंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डब्ल्यू हसरांगा को ऐड करेंगे, एंड यहाँ पर डी सिल्वा को अपने टीम में ऐड करेंगे। ये प्लेयर को हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद बॉलिंग पर हम यहाँ पर के महाराजा को डाउन ऐड कर लेंगे, एंड के रबाड़ा हो गए। इसके बाद टी सैमिस को हम लोग टीम में ऐड कर लेंगे। ये प्लेयर को हम लोग टीम में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग कीपर ऊपर कर लीजिए, विकेट कीपर हो गए, बैट्समैन हो गए, बॉलर हो गए, एंड यहाँ पर ऑलराउंडर हो गए। ये मेरा जो आज का प्लेइंग 11 जो हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम कैप्टन चूज करते हैं, किसे कैप्टन बनाना है, किसे वाइस कैप्टन बनाना है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देखा बोला ना कि कैप्टन में आप चाहे तो एम अक्रम को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एवनेस फ्रेंडो को भी अपने जो कैप्टन में यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी को आप वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं, या एक कैप्टन बनाते हैं दूसरे को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक कैप्टन बनाते हैं एंड वाइस कैप्टन इसे बनाते हैं। चाहिए इस टीम के साथ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विन कीजिए।